आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफोलॉजी की। ग्राफोलॉजी होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका बेस सिद्धांत क्या है और इससे हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। लेकिन यूजली जो शास्त्र जितना हमने रिसर्च किया है उसके मुताबिक जो हमारे शास्त्र हैं सामुद्रिक शास्त्र, उससे ग्राफोलॉजी शुरू हुआ। इसमें दो चीजें हैं, वन लिखना, दूसरा पिक्चर, जिससे बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी निकल के आए हैं कि आप पिक्चराइजेशन करते हैं और आपसे आपकी इनपुट बाहर आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं अवर ब्रेन अवर लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफोलॉजी की। ग्राफोलॉजी होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका बेस सिद्धांत क्या है और इससे हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं और इससे हमें बेनिफिट क्या होता है। तो हम ये शुरू करते हैं। ग्राफोलॉजी, ये वर्ड शायद आपने सुना हो और इसको पुलिस और आर्मी बहुत ज्यादा यूज करती है। आर्मी तो स्पेसिफिकली इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, दे यूज इट। ये राइटिंग होता है बेसिकली। अगर ग्राफोलॉजी को हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे तो ये राइटिंग को पढ़ना है, आपके फ्यूचर को, आपके प्रेजेंट को आपकी राइटिंग बताती है। तो हम शुरू करते हैं ग्राफोलॉजी के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके साथ ऐसे यूजफुल वीडियो शेयर कर सकें। तो आगे चलते हैं, ग्राफोलॉजी क्या होता है, ग्राफोलॉजी का सिद्धांत कहाँ से शुरू हुआ। ये थोड़ा ओल्ड है, बताना थोड़ा टफ है, लेकिन यूजली जो शास्त्र जितना हमने रिसर्च किया है उसके मुताबिक जो हमारे शास्त्र हैं सामुद्रिक शास्त्र, उससे ग्राफोलॉजी शुरू हुआ। इसमें दो चीजें हैं, वन लिखना, दूसरा पिक्चर, जिससे बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी निकल के आए हैं कि आप पिक्चराइजेशन करते हैं और आपसे आपकी इनपुट बाहर आ जाती है कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं। और दूसरा सामुद्रिक शास्त्र से बाहर आया वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आपकी बॉडी लैंग्वेज। उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफोलॉजी की। ग्राफोलॉजी क्या है, आपके लिखने की राइटिंग। अगर आप जो लिखते हैं उसको एनालिसिस करना। आप कहेंगे कि एनालिसिस करने से होगा क्या, बहुत हो कुछ होगा, क्योंकि जो आप लिखते हैं पहले हमें यह समझना चाहिए वो कैसे लिखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप लिखते हैं। अब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड क्या होते हैं, इसका वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो सबकॉन्शियस की माइंड से की पावर से आप लिखते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा। और जब उसकी पावर से लिखते हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए या आपके थॉट प्रोसेस चेंज करने चाहिए, तो वो आपको इंटीमेशन देता है। कैसे देता है, जैसे आप ये एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप सडन बीमार होते हैं, आपको पहले लगभग 2-4-5 दिन पहले पता लगता है यार बॉडी की एनर्जी लो है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे शायद डॉक्टर पे जाना पड़े, शायद मुझे कोई मेडिसिन लेनी पड़े, ये थॉट प्रोसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपकी बॉडी की एनर्जी के बारे में ये माइंड इतने अच्छे ढंग से बता रहा है, तो जब उसमें खुद में कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्यों नहीं बताएगा। तो बहुत सारे मेथड हैं जिनसे वो बताता है, बहुत सारे टूल्स हैं, जिनमें से एक टूल है ग्राफोलॉजी, कि आप जो लिखते हैं उससे आ जाता है और उसी टूल का यूज करके आपके बारे में प्रिडिक्शन की जा सकती है कि आप डिप्रेसिव हैं, आप एंजाइटी में हैं, आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको चेक करते हैं। तो उस लिखने की जो आपकी लिखी हुई लैंग्वेज है उसको समझने के लिए ग्राफोलॉजी आना जरूरी है। और अगर आपको ग्राफोलॉजी आती है तो आप एज ए ग्राफोलॉजिस्ट काम कर सकते हो, एज ए ग्राफोलॉजिस्ट लोगों की हेल्प कर सकते हो। अब हम आते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, थोड़ा टेक्निकलिटी समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है पिछले वीडियोस में, हमारा जो माइंड है उसी का रेप्लिका है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जब विंडो में कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या होगा, सडनली बंद हो जाएगा, सडनली रिस्टार्ट हो जाएगा, रीबूट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता लग जाता है विंडो में कुछ वायरस आ गया है या कोई प्रॉब्लम आ गया है। वैसे ही आप जब शब्द है आपकी बनावट चेंज हो जाएगी, शब्द आड़े तिरछे लिखना शुरू कर देंगे और उन्हीं को एनालिसिस करके
ये बताया जा सकता है इस वक्त आपकी माइंड की थॉट प्रोसेस कैसी चल रही है। अब हम सोचते हैं कि सर आजकल तो हम क्या करते हैं, हम तो कीबोर्ड पे लिखते हैं, कंप्यूटर का जमाना है, हम लिखते ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि माइंड हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है या कहीं हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल सही है ये विचार आपका अगर आपके दिमाग में आता है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप सिग्नेचर तो करते हैं, ये कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है, सिग्नेचर करते हैं ना, तो जो सिग्नेचर करते हैं उनसे 2-3-4 एनालिसिस हर एक वर्ड होगा, किसी के 5 वर्ड होंगे, किसी के 10 वर्ड होंगे, जो भी साइन करता होगा, तो जो जो वर्ड वो लिखता है उसका एनालिसिस हो जाएगा। और सिग्नेचर तो आजकल आप करते होंगे, चेकबुक पे जरूर करते होंगे जहां मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, ऑफिस में करते होंगे जो भी आपके रोज का वर्क है। और अगर वो सिग्नेचर में प्रॉब्लम है तो समझ लो बाकी वर्ड्स में भी प्रॉब्लम होगा, और अगर आपने वो करेक्ट कर दिया तो सब जगह ठीक हो जाएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं करेक्शन कैसे होगा या करेक्शन से होगा क्या। तो मान लो आपके सिग्नेचर हैं, उस सिग्नेचर को देख के ऐसा बता रहा है ग्राफोलॉजिस्ट कि आपके रिलेशनशिप में इश्यू है या आपके बच्चों की प्रॉब्लम में इश्यू है। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि आपके रिलेशनशिप में इश्यू है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका डिवोर्स होने वाला है। अगर आप मैरिड नहीं है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में वो कंटिन्यू नहीं होगा, तो तब अगर वो चेंज कराएगा सिग्नेचर तो क्या होगा। चेंज ऐसे होगा ही नहीं जब तक कि सबकॉन्शियस में कमांड देके वो चेंज नहीं करेगा। आज आप अपने साइन को चेंज करके करने की कोशिश करिए, आप कर नहीं पाएंगे, थोड़ी देर बाद भूलने लगेंगे, फिर वापस उसे साइन पे आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस आप करके खुद भी देख सकते हैं कि जो रेगुलर आप कर रहे हैं वो फ्रीज हो चुका है सबकॉन्शियस में। अगर वही सिग्नेचर आप बार बार करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक कर रहा है। आज आपने चेंज कर दिया तो सडनली सबकॉन्शियस लेगा ही नहीं उसका मार्ग। तो ब्रेन को मैप कर देना लैंग्वेज के साथ इज कॉल्ड ग्राफिकलाइजेशन। और इसी के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट के अंदर पिक्चराइजेशन को उसी के साथ मैच कर देना, उसका सेकंड पार्ट है, उसको डीप नॉलेज है, आपकी जो पिक्चर बनाते हैं आपसे बनवाएगा तो उससे आपकी आउटपुट आ जाएगी। और इसी पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बहुत सारे टेस्ट करते हैं इसी बेस सिद्धांत पे। तो इसके क्या क्या फायदे हैं जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं। देखिए, अगर आप क्लिनिकल टेस्ट करते हैं तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्टर हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है। लेकिन ग्राफोलॉजी के लिए आपको ग्राफोलॉजी एनालिसिस इज इनफ। और आप उसी के जैसे जैसे किसी ने कुछ लिखा आप उसके बारे में बता सकते हैं, तो वो ऐसा ही होगा जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं और वो आपके बारे में सब बताने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ लैंग्वेज है जो आपके माइंड को पढ़ के वो बता रहा है, और उसमें आपकी करेक्शन भी साथ साथ हो सकती है जो आपके फ्यूचर के रिजल्ट्स को बेटर कर दे। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, ग्राफोलॉजी क्या होगा ये आप समझ गए हैं, ये कैसे आया बेस सिद्धांत सामुद्रिक शास्त्र से वो भी समझ गए हैं, इससे कैसे ये काम करता है, ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड के भाव पे काम करता है, और कैसे इसमें करेक्शन होगा। जैसे एक मैथमेटिकल थ्योरम होती है ए इक्वल टू बी, अगर ए की वैल्यू चेंज होगी तो बी की ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो अगर सबकॉन्शियस में कुछ प्रॉब्लम है तो आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगी, और हैंडराइटिंग में कुछ करेक्शन किया तो सबकॉन्शियस करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल ढंग से आपको मैंने बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।